नव कर्नाटक स्वाभिमान वेदी के संगठन के हारून और उनकी टीम ने वक्फ बोर्ड में इस बात की शिकायत की थी। सर्वे नंबर 100 और सर्वे नंबर 101 जो किशोर गुम्बस की जमीन का इलाका है, जहां पर इलीगल माइनिंग और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ख्वाजा हुसैन ने किशोर गुम्बस के इलाके का जायजा लिया और कहा कि इलीगल माइनिंग और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और गुलबर्गा शहर के कंसर्न डिपार्टमेंट को दिया जाएगा ताकि कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और कहा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना इलीगल माइनिंग कर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को डैमेज करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मैं ही किशोर गुम्बस को आने की वजह यह है कि रे नंबर 100 101 में जो किशोर गुम्बस जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है और आर्कियोलॉजिस्ट एंड वक्फ बोर्ड के अंदर वो जमीनात है इसके अंदर। आज मुझे इत्तला मिली और कंप्लेंट भी आया नव कर्नाटक स्वाभिमान वेदी की तरफ से। आज कंप्लेंट आया वक्फ बोर्ड को और हारून एंड टीम की तरफ से कि साहब यहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी है और गवर्नमेंट की ज़मीन भी है, इसको कब्जा हो रहा है। तो मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आज मैंने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद ये समझ में आई बात कि सच्चाई से दूर नहीं है, कब्जा हो रहा सही है। इसीलिए मैंने आज तय कर चुका हूँ कि इसके सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करके माइनॉरिटी कमीशन को और डीसी को और कॉरपोरेशन कमिश्नर को और माइनिंग एंड जेवलिंग डिपार्टमेंट को मैंने अपने बोर्ड के तरफ से लेटर देने का तय कर चुका हूँ। मैंने आज या कल के अंदर मैंने शिकायत करूँगा कि यहाँ पूरी ज़मीन कब्जा हो रहे हैं, प्लाटिंग हो रहे हैं और माइनिंग हो रही है। माइनिंग के वजह से हमारे मॉन्यूमेंट को कभी भी खतरा हो सकता है, वो कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का एक रूल्स भी है जो मॉन्यूमेंट से भी 300 मीटर के दूर तक किसी तरह के भी हरकत नहीं कर सकते। वहाँ हरकत करना भी है, कुछ करना भी है तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ बगैर परमिशन के माइनिंग वाले को कौन परमिशन दिया मालूम नहीं है। आज यहाँ माइनिंग तो बहुत जोर शोर से हो रही है और इससे हमारे अवकाफ के प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं लोग और सरकारी ज़मीन को भी डैमेज कर रहे हैं और मॉन्यूमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं लोग। इसीलिए मैंने डीसी साहब को और कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को ये कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, सख्ती से इनके ऊपर निपट लेके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये जो भी इलीगल काम कर रहे हैं इनके ऊपर सख्ती से कानून के दायरे में लाते हुए इनको इनके ऊपर FIR किया जाए, क्योंकि इसी तरह हरकतों की वजह से बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट खतरे में हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत से जल्दी इस तरह के इलीगल माइनिंग ख़त्म हो जाए और हमारे इस तरह मॉन्यूमेंट को किसी तरह का खतरा ना हो, ये बचाने की हम सब की आप सब की सबकी जिम्मेदारी है। मैंने ये आश्वासन देता हूँ नव कर्नाटक का संगठन वाले को, ये मैं तुरंत संज्ञान लेते हुए मैं कल ही जाके इसके ऊपर एक कंप्लेंट दर्ज करूँगा। कंप्लेंट दर्ज करके इनके ऊपर सख्ती से जितना हो सके उतना कानून के दायरे में ला के इनके ऊपर FIR कराने की कोशिश मैं करूँगा। ये न्यू कर्नाटक स्वाभिमान वेदी के कल्याण कर्नाटक का अध्यक्ष, मेरा नाम हारून खतीब है। आज वक्फ बोर्ड में इससे पहले भी गए थे हम, साहब आतम बोल के ख्वाजा अतनूर साहब आतम बोल के हमारे को भरोसा दिए थे आज आके विज़िट करे। मैं ख्वाजा अतनूर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे आके विज़िट करे। ये जो भी यहाँ पे हो रहे आपके नॉलेज में भी है बात, आप आके विज़िट भी करें, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर FIR कर दिया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त का एक्शन लीजिए।